गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो ये जो चैनल है पूर्ण रूप से शेयर मार्केट को समर्पित है, उसकी जानकारी को लेकर के। इसलिए यदि आपको शेयर मार्केट निवेश इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा निवेश का एक सबसे सफल स्ट्रेटजी, जिसकी बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूं कि टॉप कंपनीज में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यदि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट तरीका इस्तेमाल करते हैं, टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप कंपनीज होती है उसमें निवेश करते हैं। अभी हाल ही में मैंने टॉप 15 कंपनीज में निवेश का एक स्ट्रेटजी बताया था। आज मैं टॉप 10 कंपनी को लेकर के आया हूं। पिछले साल दिवाली के मौके पर इसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया था और फिर इसकी मैंने होली पर समीक्षा किया था। तो 6-6 महीने पर मैं इसकी समीक्षा करता हूं। तो नवंबर 2019 में जो मैंने वीडियो बनाया था उसी की मैं समीक्षा कर रहा हूं कि क्या नतीजे रहे हैं और आगे चल करके हमको क्या इसमें करना चाहिए। तो बात करते हैं, तो टॉप 10 कंपनीज जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी है, तो नवंबर 2019 के दौरान टॉप 10 कंपनीज रही थी, वो नंबर वन पर रही थी रिलायंस इंडस्ट्री RIL। उसका मार्केट कैपिटल था 9.54 लाख करोड़। दूसरे नंबर की जो कंपनी थी वो कंपनी थी TCS। इसका जो मार्केट कैपिटल था 7.91 लाख करोड़। तीसरे नंबर की जो कंपनी थी वो थी HDFC बैंक। इसका जो मार्केट कैपिटल था वो मार्केट कैपिटल था 6.95 लाख करोड़। चौथे नंबर की जो कंपनी थी वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। मार्केट कैपिटल 4.42 लाख करोड़। पांचवे नंबर पर कंपनी थी HDFC 3.81 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल था। छठे नंबर पर कंपनी थी ICICI बैंक। इसका मार्केट कैपिटल था 3.19 लाख करोड़। सातवें नंबर की जो कंपनी थी वो थी कोटक महिंद्रा बैंक। इसका था 3.10 लाख करोड़। आठवें नंबर की कंपनी थी ITC इंडियन टोबैको कंपनी, 3.06 लाख करोड़। नौवें नंबर पे थी इन्फोसिस, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, 3.02 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल था। और दसवें नंबर की कंपनी थी SBI, इसका मार्केट कैपिटल था 2.91 लाख करोड़। अब यदि हम इसको देखें, ये सिर्स की कंपनियां हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें नो ब्रेनर तरीका यदि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आंख बंद करके इसी में बराबर बराबर पैसा हम लगा दें। 1 लाख रुपया लगाना है तो 10,000 इसमें, 10,000 करके, और इसके पूरे की साल भर बाद या 6 महीने बाद समीक्षा करते हैं। समीक्षा के दौरान यदि देखेंगे तो जो शेयर इस सूची से बाहर चला गया हो उसको हमें अपने निवेश के पोर्टफोलियो से बाहर करना है, और जो नया शेयर आया है उसको हमको अपने पोर्टफोलियो में एंट्री देनी है। तो हम बात करें यदि आज की डेट में इसके साल भर का क्या नतीजे रहा है, आज की डेट में इनका मार्केट कैपिटल कितना है। तो जैसे हम RIL की बात करें,
तो इसका मार्केट कैपिटल है 13.91 लाख करोड़, यानी लगभग 14 लाख करोड़ की कंपनी है। हालांकि ये 15 लाख से नीचे आ चुकी है, एक समय 15 लाख के भी ऊपर मार्केट कैपिटल पहुंच चुका था। काफ़ी करेक्शन हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने का बहुत बेहतरीन मौका है। यदि ग्रोथ देखेंगे तो साल भर में 40% का ग्रोथ आया है। और देखिए TCS को देखेंगे मार्केट कैपिटल तो 10.91 लाख करोड़ पहुंच गए, यानी 11 लाख के भी। इसका यदि देखेंगे कितना बढ़ा है तो साल भर में ये 25% का मार्केट कैपिटल ग्रो हुआ है। और देखिए तीसरे नंबर पर HDFC बैंक को देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटल इस समय, इसका जो मार्केट कैपिटल इस समय है 7.32 लाख है, यानी ग्रोथ कितना हुआ है +5% की वृद्धि। चौथे नंबर पर HUL की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटल 4.97 लाख करोड़ है, इसमें कितना ग्रोथ हुआ है 10% का ग्रोथ हुआ है। पांचवें नंबर पर देखिए जो HDFC है, ये पांचवें नंबर पर अब इसमें इन्फोसिस आ गया है, तो पांचवें नंबर पर देखते हैं हम HDFC को ही देखते हैं तो HDFC का मार्केट कैपिटल 3.86 लाख करोड़ है। ये कितना बढ़ा है, ये मात्र मुश्किल से 2% बढ़ा है। ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक जो है इस समय मार्केट कैपिटल इसका हो चुका है 3.13 लाख। रिटर्न कितना हुआ इसको भी देख लेते हैं तो इसका जो रिटर्न हुआ है ICICI बैंक का -2% नेगेटिव रिटर्न है। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो मार्केट कैपिटल हो चुका है 3.40 लाख करोड़, कितना ग्रोथ हुआ है 10% का ग्रोथ हुआ है। ITC की बात करेंगे तो ITC के भी मार्केट कैपिटल में 23% की गिरावट आई है, यानी 23%। तो इसका मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 1.7 के आसपास आ चुका है, यानी मान लेते हैं 1.7 लाख करोड़, इसमें -23% की गिरावट आई है, 23% नेगेटिव ITC है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल बहुत जबरदस्त उछाल मारा है और इसका हो गया है 4.81 लाख करोड़, इसमें +60% की ग्रोथ हुई है, एक साल में 60% बढ़ा है। और SBI की बात करते हैं तो SBI का मार्केट कैपिटल भी काफ़ी टूटा है, वो 27%, वो भी लगभग यहाँ से 30% टूटा है, यानी देखेंगे तो इसका भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल आ चुका है। निगेटिव रिटर्न कितना दिया है -27% का निगेटिव रिटर्न। ये टॉप 10 कंपनीज की स्थिति है। अब आप इसको देखिए, मान लीजिए हम टॉप फाइव कंपनीज को पहले लेते हैं और टॉप फाइव कंपनी देखिए शुरू में पहले से ही ये कंपनी ये थी HDFC। अब जो है पांचवें नंबर पर इंफोसिस आ गई है, किसको पीछे करके गई है HDFC को पीछे कर दी है, इसको यहां पर इंफोसिस आ गई है। तो यदि हम टॉप फाइव में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, जैसे अभी इसको देख लेते हैं। यदि अब इसके आज के डेट में हम वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम कि सभी कंपनियों में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज के डेट में कितना हमको फायदा मिल रहा होता है देखते हैं। यदि RIL में हम पैसा लगाए होते 10,000 साल भर पहले तो उसकी आज की डेट में वैल्यू होती 14,000। TCS में 12,500, HDFC बैंक में 10,500 वैल्यू होती, HUL में 11,000 की वैल्यू होती है। मैं एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यदि टॉप कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमारे नतीजे प्राप्त होते हैं,
हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन सभी कंपनियों में बराबर और बांट देते हैं, तो क्या नतीजे क्या होते हैं? HDFC की बात करते हैं तो HDFC की वैल्यू होती 10,200। ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक की वैल्यू होती 9,900। कोटक महिंद्रा की बैंक बात करते हैं तो 11,000। ITC की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती 7,700। इंफोसिस की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती 16,000। और SBI की बात कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती 7,300। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज के डेट में यदि सबको योग करेंगे तो निकलता है 1,10,000 रुपया। इतनी वैल्यू, यानी पिछली दिवाली से इस दिवाली में टॉप 10 कंपनीज में जो हमको रिटर्न मिलता वो 10% के आसपास हमको रिटर्न मिल चुका होता। अब हमको ये बताइए कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आज के डेट में, FD में रिटर्न करते हैं, बैंक में डालते हैं, करेंट अकाउंट में डालते हैं, रखते हैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो इमरजेंसी के लिए जितना पैसा रखते हैं उसको छोड़ करके बाकी पैसा यदि हम टॉप 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर हाल में हम FD, PPF जो भी परंपरागत निवेश साधन होते हैं उसको बीट करने में सफल होते हैं। और यदि यही आप टॉप 5 कंपनीज को आप ले लीजिए यहाँ तक, तो टॉप 5 कंपनीज की वैल्यू कितनी होती? 14,000, 12,500 यानी 26,500। ये देखिए ये होता 37,000, ये 48,000, 48,000 और 48,000 के बाद ये 58,900 यानी कि ये 58,000। यानी टॉप 5 कंपनीज यदि आप देखेंगे 50,000 रुपया लगा होता तो लगभग 16% का रिटर्न आया होता। टॉप 5 16% रिटर्न, नो ब्रेनर तरीका, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें टॉप कंपनीज में है लगाना चाहिए। अब जैसे हम टॉप 5 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज के डेट को हमें HDFC को बाहर करके इन्फोसिस को इसमें शामिल कर लेना चाहिए। और टॉप 10 कंपनीज में हम शामिल इन्वेस्ट करते हैं, मेरा अपना मानना है कि टॉप 10 कंपनीज को ही तरीका चुनना चाहिए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है। तो यदि टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें जो है हमको 2 कंपनियों को बाहर करने की जरूरत है, एक कंपनी है SBI और दूसरी कंपनी है ITC। और इसके जगह पर हमको जिन कंपनी को शामिल करनी चाहिए, एक को शामिल करनी चाहिए भारतीय एयरटेल, भारती, और SBI की जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए बजाज फाइनेंस। इन सबके नतीजे देखेंगे साल भर में कितने नतीजे हैं, तो ये भारती के नतीजे साल भर में पिछले साल भर में 10% के आसपास रिटर्न है और बजाज के भी लगभग 10% रिटर्न एक साल में आ चुके हैं, हालांकि अपने नीचे से काफी रिकवर हुए हैं और भारतीय एयरटेल तो अपने हाई से काफी नीचे आई है। तो ये तरीका है नो ब्रेनर तरीका, बिल्कुल दिमाग लगाने की बहुत जरूरत नहीं है, टॉप 10 कंपनीज में बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। अब मैं इसकी समीक्षा होली के दौरान करूंगा या अगले दिवाली पर करूंगा कि क्या इसकी स्थिति होती है, ये सूची ऐसे है कि नहीं है, क्या स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए।